Applicant. Applicant meaning is a person who formally applies for something. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता है वो होता है एप्लीकेंट. आवेदक, प्रत्याशी, अर्जीदार. एप्लीकेंट और कैंडिडेट एक सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? एप्लीकेंट और कैंडिडेट में क्या मेजर डिफरेंस क्या है? कैंडिडेट वो पर्सन होता है जो कि एक स्टेज को क्लियर कर चुका होता है. अगर जैसे इंटरव्यू देने गए हैं और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हो रहा है तो वो है एप्लीकेंट, लेकिन एक उस इंटरव्यू से निकल के सेकंड स्टेज पे जा चुका है वो है कैंडिडेट. कैंडिडेट एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसको सीरियसली लिया जाता है हायर करने के लिए, मतलब वो एक स्टेप क्लियर कर चुका है, मतलब उसके ज़्यादा चांस है उसको नौकरी में रखेंगे. तो ये होता है कैंडिडेट. अब हम एप्लीकेंट के एग्जाम्पल समझते हैं. देर वर मैनी एप्लीकेंट्स फॉर द मैनेजर्स पोजिशन. मैनेजर पोजिशन के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स हैं, काफ़ी सारे आवेदक हैं. ईच एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन. हर एक एप्लीकेंट को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे डेडलाइन से पहले. मतलब डेडलाइन का मतलब है कि आपको एक दिन, एक डेट निर्धारित की जाती है कि उससे पहले आपको अपने जो भी काम दिया जाता है उसको पूरा करना है, तो वो होती है डेडलाइन. थैंक यू. अगर आपको ये वर्ड अच्छा लगा हो, इसका मीनिंग समझ आया हो, तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए.